नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। पूर्वांचल में मऊ जनपद और मऊ जनपद की पहचान स्वर्गीय कल्पनाथ राय, और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए उनकी सुपुत्री हैं वैष्णवी राय। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। क्या कुछ आज था और आज आप मीडिया से मुखातिब हुई हैं पहली बार, तो क्या पर्पस था? पर्पस था कांग्रेस की आवाज लोगों तक पहुंचाना। कांग्रेस की आवाज जी। तो क्या कुछ बताया और कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है और किस तरह क्या कुछ करने मऊ? मेरी पढ़ाई हुई है, मैं मार्टर डे कॉन्वेंट से स्कूलिंग की हूँ, गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हिस्ट्री ऑनर्स मास्टर्स, और अब मैं एमिटी से एलएलबी कर रही हूँ। तो आपके बारे में कहा जाता है आप पीसीसी मेंबर भी हैं, और फिर कांग्रेस की राजनीति को किस तरह से आगे ले जाने का आपकी योजना है? घर घर तक कांग्रेस का विजन पहुंचाना है, घर घर तक कांग्रेस की विचारधारा पहुंचानी है, एक वैचारिक क्रांति लानी है इस देश में। एक मजबूत वैचारिक क्रांति ही बीजेपी को ख़त्म कर सकती है और कांग्रेस को बढ़ा सकती है। लड़ाई सारी वैचारिक क्रांति की है, वैचारिक क्रांति। अच्छा, कांग्रेस लगातार पीछे जा रही है। पिछले दो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत निचले स्तर पर है। तो क्या कुछ नई योजना है? आप युवा हैं तो क्या कुछ एक नई रणनीति के तहत काम कर रही हैं? संगठन को मजबूत करना, घर घर घूमना, लोगों तक जाना। मैंने बताया आपको, लोगों तक, लोगों में एक, लोगों को पर्सनली वापस कांग्रेस से जोड़ना, उनको याद दिलाना कि कांग्रेस ने कितना किया इस देश के लिए। यही है मेरा फिलहाल गोल। लोगों तक जो एक कांग्रेस के बारे में गलत फहमियाँ पैदा की हैं बीजेपी ने, लोगों का दिमाग हाईजैक कर लिया है, उसे बदलना। लड़ाई सारी विचारों की है, लड़ाई आइडियाज़ की है, विजन की है, वही है बस एक। अच्छा, आपके पिताजी यहाँ से सांसद रहे, मंत्री रहे, उसके बाद कांग्रेस यहाँ वापस लौट के नहीं आई, क्या कुछ कमी देखती हैं? अब आप बड़ी हो गई हैं, आपको कांग्रेस की राजनीति भी कर रही हैं, तो क्या कमी रह गई कांग्रेस में? हम लोग गुंडे बदमाश नहीं हैं और ना ही हम लोग जात की राजनीति करते हैं, शायद इसलिए। लोगों को विकास नहीं पसंद इस देश में, राजनीति नफरत के ऊपर होती है। अब चाहे वो जात के ऊपर नफरत हो या धर्म के ऊपर नफरत हो, हमारा देश एक है, आज़ाद हुआ एक था, लेकिन लोग भूल गए हैं ये कि हमारी आज़ादी की लड़ाई एक होके लड़ी गई थी, हिंदुस्तान एक बनाया गया था। ये केवल कि यहाँ पे हम टुकड़ों में नहीं बटे हैं किसी जात या किसी धर्म के ऊपर, लोगों में आज तक वो बात नहीं आई है, शायद इसीलिए। आपने गुंडे बदमाश का नाम लिया, तो कहाँ गुंडे बदमाश किसको कह रही हैं आप? मेरे ख्याल से आप इतने समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे मैं किसको कह रही हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और मैं सच बताऊँ तो नाम भी नहीं लेना चाहती उन लोगों का। तो अब कांग्रेस को धरातल पर जोड़ने के लिए वैष्णवी राय का, कांग्रेस के इतर, कांग्रेस का तो जो प्लान है वो है, तो वैष्णवी का क्या कुछ प्लान है? आपका किस तरह से कांग्रेस को जोड़ेंगे? मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैं लोगों में जा रही हूँ, अपने लोगों में जो पुराने कांग्रेस के लोग थे उनको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, कांग्रेस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रही हूँ, उनको जोड़ रही हूँ, फिर उनके थ्रू पब्लिक को जोड़ूंगी। एकदम बेस लेवल पे फिलहाल मैं सोच रही हूँ काम करने से। लेकिन फिर भी ट्रस्ट नहीं जम रहा है लोगों का, ऐसा क्यों? मिथ्या को तोड़ने में समय लगता है। मिथ्या कौन फैला? बीजेपी। बीजेपी तो कहती है कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तमाम प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बोल रहे हैं, आप बोल रही हैं मिथ्या फैलाते हैं। मिथ्या ही तो है कांग्रेस की लगाई हुई लाइट्स पे बस दिवाली की पाइप बांध देना और लोगों को लगे कि नई लाइट लगी हुई है, मिथ्या ही तो है, सर्कस है और क्या है।